चंद्रपूर तालुक्यातील पांढरकवडा वडारेती घाटावर गेल्या अनेक महिन्यापासून रेती तस्करांनी धुमाकूळ घातला असून शासनाला लाखो रुपयाचा चुना लावला असताना देखील प्रशासनाची कुंभकर्णी झोप उघडत नसल्याने चोरांची आणि अधिकाऱ्यांची साठगाठ तर नाही ना अशी शंका नागरिकांतर्फे उपस्थित केल्या जात आहे. वढा येथील वर्धा नदीच्या घाटावर वाळू माफियांनी रात्रीच्या सुमारास गेल्या अनेक महिन्यापासून राजकीय बळावर रेती चोरी सुरू केली आहे. सदर तस्कर हे ट्रॅक्टरने वाळू चोरी करीत असतात. वाळू माफियांनी पूर्णपणे वाळू घाट पोखरून काढले. या राजकीय बळावर वाळू चोरी, या वडा घाटावर वाळू उत्खनन सुरू असून यावर अंकुश का नाही असे प्रश्न सतत निर्माण होत असते. 7-8 ट्रॅक्टर ट्रॉलीने बेधडकपणे वाळू चोर धुमाकूळ करीत आहे. शासनाच्या नियमाला श्रद्धांजली देत लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल फटकावा बसला आहे. सदर तस्करांचे मनोबल मोठ्या प्रमाणात वाढले असून आमचं कोणीच वाकडू करू शकत नाही, बघून घेऊ इथपर्यंत मुजोरी या तस्करातर्फे केली जात आहे. प्रशासन कुंभकर्णी झोपेतून उठून कारवाई करेल का याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहेत. मैं साहिल सिंह, मैं खड़ा हूँ वड़ा के रेती घाट पर. जैसे कि हम पहले भी बता चुके, बार बार बता चुके कि एक तीर्थ स्थान है. इस बारे में मीडिया ने काफी खबरें चलाई, तहसीलदार तक पहुंचाई, महसूल अधिकारियों तक पहुंचाई, मगर वो आज भी कुंभकर्ण की नींद में है. शायद उनके ऊपर राजकीय दबाव है. राजकीय दबाव यानी नेता नगरी, नेता एक आम जनता के हिसाब से नेता एक योद्धा होता है. एक आम इंसान दिन रात मेहनत करता है अपने नेताओं को पावरफुल बनाने के लिए, क्योंकि वो एक योद्धा की नज़र में उसे देखता है. और वो योद्धा, वो नेता जब बड़ा हो जाता है वही आम जनता के खिलाफ खड़ा हो जाता है. जैसे कि आप देख रहे हो आज रेत तस्करों के साथ खड़ा है, कभी किसी कंपनी के साथ खड़ा हो जाता है और आम जनता से ही लड़ता है. आज ये राजकीय दबाव ही है कि हमारे महसूल अधिकारी जो है वो अपनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वो मजबूर है. कुमार बंडी, आज हम वड़ा तीर्थक क्षेत्र के वड़ा घाट में उपस्थित है. आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में बहुत बड़ा टीला है जो रात के समय में अवैध रेती तस्करों द्वारा उत्खनन किया जा रहा है, और ख़ासकर रात के समय में 11 से 5 बजे के समय में. और ये रेती तस्करी जो है जोरों शोरों पर चल रहा है, और ज़िले के पालक मंत्री, कलेक्टर, तहसीलदार को कई बार पत्र व्यवहार किया गया है संबंधित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, परंतु इस ओर अधिकारियों का मौन धारण करना विशेष रूप से एक प्रश्न निर्माण हो रहा है. क्या अधिकारी आने वाले समय में कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं, ये हमारी मांग है.